आएंगे। अब रात में उठ करके फिर धुआं मांगेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वालों को जाते देखा। मैंने पुताई वालों को रोक करके पूछवाया कि कहां जा रहे हो, तो पुताई वालों ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको पोतने जा रहे हैं। बताओ बाबा जी ने तैयारी कर ली कि नहीं कर ली? और कुछ लोगों को तो पता होगा कि उन्होंने लखनऊ से गोरखपुर की टिकट बुक कर ली कि नहीं कर ली, और वो गाना सुन लिया कि नहीं सुन लिया, यूपी में काबा। इस बार तो बदलापुर के लोग बाय बाय बाबा करने जा रहे हैं। बताओ बाबा जी को बाय बाय कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये जो हाथ में हमें स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, क्या ये बाबा जी ने दिए? वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 करोड़ बांटे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि लैपटॉप दिया है। मुझे ये लग रहा है बदलापुर में इसलिए नहीं दिया क्योंकि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते होते तो इसकी जरूरत को समझते, इसके आज के समय पर जरूरत क्या है वो समझते। आज के समय पर मोबाइल से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार हो रहा है। लोग नौकरी का अपना काम काज इसी से कर लेते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमें अगर पॉलिटेक्निक आईटीआई या इस क्षेत्र में अगर हमें बढ़ावा देने के लिए आईटीआई पॉलिटेक्निक में नए कोर्स भी चलाने पड़ेंगे तो पॉलिटेक्निक आईटीआई बनवा करके नए कोर्स चला करके अपने नौजवानों को 22 लाख आईटी के क्षेत्र में रोजगार दिलाने काम करेंगे। जहां पर आपका बाई तरफ एक्सप्रेसवे निकल रहा है, मैं देखता हूं अभी मैं बगल की विधानसभा शाहगंज होके आया हूं, आगे आजमगढ़ भी है। ये ऐसा एक्सप्रेसवे है जो पूरे देश में सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाया, और अगर समाजवादी लोग इस तरह का एक्सप्रेसवे नहीं बनाते तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपना हवाई जहाज लेकर के उस सड़क पर नहीं उतर पाते। अगर उन्होंने बनाया होता तो बताओ गुजरात में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहां पे हवाई जहाज उतर जाए। इसलिए भविष्य में हमें बदलापुर होकर के एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नई सड़क बनानी पड़ेगी, तो एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए आपको भी एक्सप्रेसवे देने का हम समाजवादी ने कहा। पहले भी हम लोगों ने जौनपुर और खासकर बदलापुर को बिजली बढ़ा करके देने का काम किया था। इस बार सरकार बनाइए जहां 24 घंटे बिजली मिलेगी वहीं 300 यूनिट बिजली के लिए आपको बिल नहीं देना पड़ेगा, और किसानों को सिंचाई के लिए बिल नहीं देना पड़ेगा, पूरी सिंचाई माफ होगी। पहले समाजवादी सरकार थी, जब समाजवादी सरकार थी